नमस्कार, मैं हूँ कंचन मुकाशी। रेसिपी प्लैनेट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पकोड़े बनाएंगे। इस बारिश के मौसम में हर किसी को पकोड़े खाना बहुत पसंद आता है, और चाय के साथ अगर पकोड़े मिल जाए तो सब लोग खुशी खुशी खाते हैं, और बारिश के मौसम में बार बार बनाना भी पसंद करते हैं। तो आइए अलग नए तरीके से हम फटाफट से पकौड़े बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का बर्तन लिया है, और अभी इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, साथ ही साथ 6-7 हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक, 10-15 लहसुन की कली, और बड़े साइज़ का एक प्याज। अभी इन सबको मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये देखिए, ये हमने दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है, और अभी हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है। ऐसी किसी भी छोटी कटोरी से 2 से 3 कटोरी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। और साथ ही साथ इसी कटोरी से आधी कटोरी चावल का आटा लिया है, और अभी हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, पकौड़े में अजवाइन ज़रूर डाला कीजिए, और थोड़ी सी हल्दी। और मिक्सर के बर्तन में ही थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर हम पानी डालेंगे। चावल के आटे की वजह से पकौड़े बहुत कुरकुरे बनते हैं। अगर आप चावल का आटा नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और अभी इसको हम थोड़ी देर फेटेंगे। ऐसा फेटने से ये थोड़ा फ्लफी बनता है, और उसकी वजह से पकौड़े भी हम अच्छे से कढ़ाई में डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इससे आपके मनपसंद की जो भी सब्जी हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी हमारे पकौड़े का घोल तैयार है, और मैंने एक साइड में तेल रखा है गर्म होने के लिए। तेल गर्म होने तक हम इसको साइड में रखते हैं, और फिर पकौड़े बनाएंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसी गरम तेल में से थोड़ा गरम तेल हम इस पकोड़े के बैटर में डालेंगे, इससे पकोड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। और इसको अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तेल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है, और अभी हाथ से इस तरीके से तेल के अंदर पकोड़े डालेंगे। पकोड़ों को कुरकुरा और जालीदार बनाने के लिए अगर आप तेल नहीं डालना चाहते तो खाने का सोडा 1 पिंच इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जरूरत के हिसाब से। जब कम करना हो तो कम करेंगे, बढ़ाना हो तो बढ़ाएंगे। ये देखिए, अभी इनका कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन कलर आ गया है। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अभी इनको हम बाहर निकालते हैं। आँच हम बहुत कम करेंगे तो पकौड़े तेल बहुत खींचते हैं, आँच को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पकौड़े जल सकते हैं, इसलिए हमें पकौड़े फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इन टिप्स को ध्यान रखते हुए अगर आप पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे, तेल भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे और कुरकुरे भी बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। आज हमने इसमें कोई सूखे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये पकौड़े बहुत अलग और टेस्टी बनते हैं। ये आपको बहुत पसंद आएगी, इसमें बहुत स्वाद आता है। इस बारिश के मौसम में झटपट पकौड़े आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। और अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।